ये क्या कर रहे हैं महाराज? कहीं हम अपनी सुख पर खो ना बैठे। जीत गए तो आपने तो ठीक है, हम आपसे दोबारा लड़ेंगे और अवश्य जीत कर दिखाएंगे। अवश्य हम उस अवसर की प्रतीक्षा करेंगे। क्षमा कीजिएगा महाराज। महारानी साहब चलिए, पूजन की तैयारी हो चुकी है। माँ साहब आप सबकी प्रतीक्षा कर रही है। इन गुड़ियों में आप क्या देख रहे हैं? They're nodding heads. आपने जिसके बारे में कहा था उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। हमने कोशिश की थी परंतु अब तो ये डर लग रहा है कि कहीं वो जाके लक्ष्मी बाई को सब कुछ बता ना दे। किसी और शख्स के बारे में सोचना चाहिए। हमारे पास समय नहीं है। अभी पूजा चल रही है, समय है अपने पास। मुझे नहीं पता था कि मेरा भांजा इतना लापरवाह होगा। मैंने उसे तिजोरी में रखने के लिए धन दिया था, वो सारी रकम जुए में हार गया। वो लगान की राशि जो कि मुझे महाराज को लौटानी। क्षमा कीजिएगा प्रधानमंत्री, 2 लाख की राशि कोई छोटी राशि नहीं होती और इतनी बड़ी राशि के लिए आपको जमानत तो देनी ही पड़ेगी। लेकिन सावकार जी, मेरे पास इतनी बड़ी राशि की जमानत देने योग्य कोई संपत्ति नहीं है, इसलिए तो मैं आपके पास आया। देखिए मेरी लाज रख लीजिए, अगर महाराज को इस बात का पता चल गया तो मेरी बरसों की ईमानदारी पल भर में मिट्टी में मिल जाएगी। क्षमा कीजिए प्रधानमंत्री जी, बिना जमानत के मैं आपको इतनी बड़ी राशि नहीं दे सकता। उर्वार कुमिव बंधनान मृत्योर मुक्षीय माम दत्ता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अखंड सौभाग्यवती भव। धन्य है देवा, पूजा निर्विघ्न समाप्त हो गई। जी शुभ मुहूर्त निकालिए। जी अवस्था में विराजमान है और सप्तम भाव में बुध और गुरु 1/7/19 अंश पर यौवन मुद्रा में विराजमान है और राहु सुप्ता अवस्था में है और शुक्र तृतीय घर में प्रवेश करेगा।
आत्या जी, शीघ्र शुभ मुहूर्त का समय बताइए। आज रात्रि के दूसरे प्रहर में सारे ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत मेल हो रहा है। यही समय मिलन के लिए उत्तम बेला है। इस समय हुए मिलन से झांसी को योग्य उत्तराधिकारी मिले। देखिए तो कौन आया है। तात्या जी ने आज ही रात का शुभ मुहूर्त निकाला है। सारे मंसूबे मिट्टी में मिल गए। सुनो 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 सुनो, झांसी की प्रजा सुनो, झांसी के नरेश महाराज गंगाधर राव का ऐलान सुनो। महारानी लक्ष्मीबाई के झांसी लौटने के बाद जो आप लोगों की राजकुमार देखने की इच्छा थी वो अवश्य पूरी होगी। ईश्वर की कृपा से सुप्रसिद्ध प्रकांड पंडित श्री तात्या दीक्षित जी ने महाराजा एवं महारानी जी के शुभ मिलन का अवसर आज रात्रि को रखा गया है। आप सबसे निवेदन है कि झांसी के उत्तराधिकारी के लिए भगवान से प्रार्थना करें और शीघ्र ही महल में हमें मासूम बच्चे की किलकारी सुनाई दे। हम सबकी तो यही प्रार्थना है कि झांसी के उत्तराधिकारी मिल जाए। या अल्लाह, तो रहीम है करीम, झांसी की मलिका की गोद भर दे। मैं पैदल चलकर हज करने जाऊंगा मेरे मौला। महाराज, बिठूर से संदेश वहां कहा है। बिठूर से? ठीक है, उन्हें सम्मान लेकर। ये साड़ी आप पर बहुत जचेंगी, अच्छी नहीं लगी आपको? अगर आपने ये पहन लिया तो महाराज तो बस आपको ही देखते रह जाएंगे। वैसे आप ये पहनेंगी या ये? चलो जाओ यहाँ से। जब देखो हमें परेशान करते रहते हो, आज ही से आप जो साड़ी कहेंगी हम वो पहन लेंगे। परंतु आज ही साहब हैं कहाँ? हमें बहुत देर से दिखाई नहीं दी। उन तक संदेशा पहुंच गया है, वो आती ही होंगी। नहीं, जाओ तुम देख कर आओ। ठीक है। झांसी की प्रजा ने खास आपके लिए नारायण बाग से फूल भेजे हैं। शीघ्र ही झांसी को उत्तराधिकारी मिले। इस समय पूरी झांसी उत्तराधिकारी की आस लिए प्रार्थना कर रही है और हम भी। जल्द से जल्द इस महल में राजकुमार आए, फिर आप देखिएगा पूरा महल उसे कैसे सराखों पर बिठा के रखता है। देखिएगा महारानी साहब, वो आप ही की तरह बलशाली और महाराज की तरह पराक्रमी और तेजस्वी बनेंगे। श्रीमंत सरकार का स्वास्थ्य कैसा है? चिंताजनक है, और श्रीमंत सरकार ने शीघ्र ही वहिनी साहिबा को बिठूर भेजने का आग्रह किया।
ये आपके लिए। श्रीमंत सरकार से कहिए कि हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं, और यदि हमारे लिए कोई आदेश हो तो बिना झिझक हमसे कहें। श्रीमंत बाजीराव पेशवा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हमारी लक्ष्मी उन्हें बहुत चाहती है। यदि यह समाचार उन तक पहुंच गया तो वो विचलित हो जाएगी। क्या करूं, उन्हें बताना तो आवश्यक है, कैसे बताऊं? कितना सुंदर लग रहा है ये सब। सुंदर कर रही है, सुंदर जो भी करेगी वो तो सुंदर होगा ही। सुंदर, हमने महारानी के पसंद के कुछ फूल मंगवाए। आप ये क्या कर रहे हैं महाराज? कहीं हम अपनी सुध खोना बैठे? कल वहीनी साहब बिठू जा रही है, ये खबर महारानी तक नहीं पहुंचनी चाहिए, अन्यथा वो परेशान हो जाए। कयामत कयामत की आगोश में कतरा कतरा टपक रही है। मलिका आलिया, वो मलिका आलिया, मलिका आलिया। अरे कभी तो बहन बोलिए मोती भाई। मलिका आलिया, हम औरतों की जिंदगी में कई सारे पड़ाव आते हैं। क्यों कहिए कि हर बार हमारा एक नया जन्म होता है। सबसे पहले एक बेटी का, फिर एक पत्नी का, और फिर एक माँ का। और माँ बनने की ओर अपनी नई जिंदगी की दहलीज पर अब पहला कदम रखने जा रही हैं। जानती हैं, आज की शब हर औरत की जिंदगी के सारे ख्वाबों की ताबीर बनकर आती है। और हमारी तो अल्लाह से एक ही दुआ है कि जल्दी से हमारी प्यारी बहना की गोद में एक नन्हा सा चांद खिल उठे। मलिका आलिया, अगर परवरदिगार हमारी ये दुआ कबूल कर ले तो फिरंगियों के मुंह पर एक तमाचा साबित होगा और आपकी जिंदगी में एक नया और प्यारा सा रिश्ता भी जुड़ जाएगा। हम भी खाला अम्मी बन जाएंगे और आपके बाबा आजोबा। और फिर अरे सुंदर, आजी साहब कहाँ हैं? वो रात में होने वाले हवन की तैयारियों में व्यस्त है। मलिका आलिया, आप बार बार बाहर क्यों देख रही हैं? आज चांद नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि चांद तो यहां है, महल में।
खुद से शर्माकर आपको देखकर बादल में छिप गया है। आप बहुत शरीर हो गई हैं मोती भाई जी। What the hell? क्रोध मस्तिष्क को छीण कर देता है। आप ही सोचिए, जब आज रात का मुहूर्त निकला तो हम भला क्या कर सकते हैं? बाय बाय। फिर उसने कॉन्फिडेंस से कैसे कहा था, आज उनके मिलन की फर्स्ट नाइट है, आवर होल प्लान गॉट डिस्ट्रॉयड। मुहूर्त निकला है अभी, मिलन हुआ नहीं है, शांति रखिए। हमारा मंसूबा कुछ वक्त के लिए टल गया है, खत्म नहीं हुआ है, और वैसे भी अभी हवन होना बाकी है, ना जाने कितने मंत्र पढ़े जाएंगे। उस बीच हम तीनों यूं ही बैठे रहेंगे।